good morning to all the viewers this is the part 2 of our bop chapter uh, in this chapter we will discuss about the forms of bop and the main topic in this video will be the forms of bop and about the treatment of each and every item in the different form of bop so first of all we will see that what are the different forms of bop made by any government so there are two basic type of BOPs. That is BOP on current account and BOP on capital account. These are the two basic BOPs available for any country. And the items which are involved in these accounts are as follows. That is in BOP in current account, we will write about visible trade. Then in BOP uh, in the in the same BOP current account, the next item will be invisible trade. Then unilateral transfer. Unilateral transfer, unilateral means one-sided. Unilateral transfer or receipts. Then the last item will be miscellaneous. Miscellaneous receipts or payments. Then in BOP capital account, we have items such as, we have only three items. The first one is borrowing. The second one is investment. And the third is change in forex reserve. Forex means foreign exchange reserves. So now we will see one by one and discuss each and every item. एंड देन सी द इफेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी आइटम ऑन द बी ओ पी अकाउंट बी ओ पी स्टेटमेंट सो फॉर स्टार्टिंग विद द करेंट अकाउंट तो करेंट अकाउंट होता क्या और इसमें क्या चीज़ें हैं पहले वो हम देख लेते हैं तो करेंट अकाउंट में बेसिकली जो बनाया जाता है ये बनाया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज को रिकॉर्ड करने के लिए किसको रिकॉर्ड करने के लिए एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इसका मेन काम जो होता है या मेन वर्क जो होता है गुड्स एंड सर्विसेज को रिकॉर्ड करने के लिए ही इसको बनाया जाता है मेन मेन पर्पस ही इसका यही है उसके बाद फिर अब इसमें देख लेते हैं जो ईच एंड एवरी आइटम्स जो इसमें बनाए गए हैं उन आइटम्स का क्या क्या फोकस है क्या क्या चीज़ें हैं वो हम एक एक करके देख लेते हैं जैसे पहला आइटम इसमें होता है ए हमारा है विजिबल ट्रेड तो विजिबल ट्रेड का मतलब क्या होता है विजिबल मतलब होता है देखा गया जिसको हम देख सकते हैं तो ये जनरली दिस टर्म इज़ यूज फॉर गुड्स तो गुड्स जो भी रहेंगे उन गुड्स का क्या हो रहा है पूरे हमारी इकोनॉमी में उसके बारे में देखना है तो गुड्स को हम दो तरीके से फॉर्म में लाते हैं या फिर गुड्स का हम क्या करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं या फिर इम्पोर्ट करेंगे दो काम करते हैं यानी मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि बीओपी हमारा जो बनाया जाता है वो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बिटवीन अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया जाता है सो विजिबल ट्रेड जो है यानी गुड्स को या फिर एक्सपोर्ट करके इम्पोर्ट करेंगे तो अब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का क्या इफेक्ट होगा वो हमको देखना है इसमें तो एक्सपोर्ट अगर हम कर रहे हैं दैट मीन्स कि पैसे का फ्लो हमारी इकोनॉमी में बढ़ेगा कि घटेगा तो दैट मीन्स पैसे का फ्लो बढ़ेगा तो इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग करेंगे क्रेडिट और इम्पोर्ट करेंगे इम्पोर्ट करने का मतलब वैन वी परचेज गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज इन टू अवर कंट्री देन वी हैव टू पे टू दैट कंट्री दैट मीन्स कि हमारा पेमेंट जाएगा यही बस इतना ही ध्यान रखना है पैसा अगर आ रहा है हमारे इंडिया में दैट दैट ऑल आइटम शुड बी क्रेडिटेड और जा रहा है तो डेबिट होगा अगर ये लॉजिक समझ में आ गया तो बाकी सब समझ में आ जाएगा क्लियरली तो अब दूसरा आइटम हम लोग देखते हैं आइटम नंबर बी हो गया बी बोला गया कि इनविजिबल ट्रेड अब इनविजिबल ट्रेड क्या होता है तो सिंपल बात है इसने ऊपर वाले ने गुड्स के साथ डील किया तो नीचे वाला जो है सर्विसेज के साथ डील कर लिया अब सर्विसेज के भी दो ऑप्शंस हो गए सर्विसज आप जान ही रहे हैं सर्विसेज का एग्ज़ाम्पल अगर आप देखना चाहते हो तो एग्जाम्पल बहुत सारा हमारे पास जैसे बैंक हमारे बैंक्स हैं कुछ फॉरेन बैंक्स हैं जो विच विच आर सर्विंग इन अवर कंट्री एंड अवर इंडियन बैंक्स आर सर्विंग इन फॉरेन सो उनको हम देख लेंगे बैंकिंग हो गया इंश्योरेंस हो गया आईटी सेक्टर हो गया हमारा फिर आउट आउटसोर्सिंग एक टाइप का होता है वो भी हो गया और एसेट्रा ये सारी चीज़ें हमारी सर्विसेज में आती हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ बन के नहीं जाता लेकिन वहाँ से सर्विस हमारा प्लेस होता है अब इनके साथ भी दो चीज़ें हैं सर्विस का हम क्या करेंगे या फिर एक्सपोर्ट करेंगे और वी विल इम्पोर्ट द सर्विसेज़ तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में क्या होगा आइटम अब देखिए अब मैंने बताया ना लॉजिक वही रहेगा कि देखना है कि पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है तो सबसे पहली बात कि अगर हम सर्विस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं दैट मीन्स कि अगर हमारे बैंक्स अगर बाहर यानी हमारे जो कंट्री के बैंक्स हैं वो बाहर में आउट ऑफ इंडिया जो उनके है उनके ब्रांचेस ओपेंड हैं तो वहाँ से वो पैसे कमा के इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में पैसे ला रहे हैं तो यानी पैसा हमारे पास बढ़ रहा है दैट मीन्स क्रेडिट और अगर जो फॉरेन के बैंक जो इंडिया में हैं जस्ट लाइक एच एस बी सी बैंक हांगकॉन्ग शंघाई बैंक कॉरपोरेशन फिर आपका सिटी बैंक और तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स हैं स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक जो कि अलग अलग देशों से हमारे यहाँ सर्व कर रहे हैं तो अगर वो हैं जैसे अदर कंट्री के जो भी बैंक्स हैं वो इंडिया में अगर आ रहे हैं तो यहाँ से यहाँ पैसे ला रहे होंगे अगर ये यहाँ से पैसे इसमें ला रहे हैं यानी यहाँ हमारे यहाँ सर्व कर रहे हैं तो यहाँ सर्व करके पैसा लेके जाएंगे तो उसको हम क्या कर देंगे उसको हम कर देंगे वो कर देंगे डेबिट कर देंगे तो ये हमारा हो गया डेबिट यानी एक्सपोर्ट अगर जो रहेगा एक्सपोर्ट को क्रेडिट करेंगे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को विविल डेबिट उसके बाद जो हमारा तीसरा जो आइटम है वो तीसरा आइटम हमारा बोला यूनिलेटरल ट्रांसफ़र यूनिलेटरल ट्रांसफ़र और रिसिप्टूनिटरल ट्रांसफर और रिसिप्ट का मतलब ये होता है कि जो एक तरफ़ा यूनिटरल का मतलब ही आप समझ लिए पहले विच इज़ वन साइडेड अब वन साइडेड होगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा कि यानी इसके रिटर्न में हमको कुछ करना पड़ता है ना रिटर्न में कुछ देना पड़ता है एक बार में ही पेमेंट हो जाता, वैसे पेमेंट हो जाता है वैसे क्या पेमेंट्स होंगे जो, जो एक बार में होते हैं तो इसके एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं जैसे कि जैसे गिफ्ट्स हो गया गिफ्ट्स हो गया फिर आपका डोनेशंस हो गया फिर आपका पर्सनल रेमिटेंस हो गया जैसे अगर हमारे कोई घर के लोग हैं जो बाहर रहते हैं तो दे विल ट्रांसफ़र मनी तो पर्सनल रेमिटेंसेज हो गया तो ये सारा कुछ जो है इसमें आपका इस यूनिलेटरल ट्रांसफ़र पेमेंट और रिसिप्ट आ जाएगा करना इसके साथ भी वही है अगर ये हमको रिसीव हो रहा है या हम पे कर रहे हैं तो कैसे करेंगे तो दो चीज़ें होंगी अगर यूनिटरल ट्रांसफ़र हमको हम रिसीव कर रहे हैं यानी हमको रिसिप्ट हो रहा है और एक होता है हम अगर पे कर रहे हैं तो अगर पैसा रिसिप्ट हो रहा है तो रिसिप्ट मतलब पैसा हमारे यहाँ क्या हो रहा है पैसा आ रहा है तो आ रहा है दैट मीन्स क्रेडिट पैसा जा रहा है दैट मीन्स डेबिट ये दो चीज़ें हो गई अगर पैसा आएगा तो क्रेडिट पैसा जाएगा तो डेबिट अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ नेक्स्ट आइटम हमारा है नेक्स्ट आइटम हमारा हो जाएगा डी डी वाला बोलता है मिसलेनियस रिसिप्ट अब मिसलेनियस रिसिप्ट में क्या क्या आएंगे वो पहले हम देख लेते हैं रिसिप्ट होगा या अदरवाइज पेमेंट्स होगा तो मिसलेनियस में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मैसे में आपका आ जाएगा जैसे इन्वेस्टमेंट इनकम जो होते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम में हो गया फिर जैसे इंटरेस्ट हो गया इंटरेस्ट आपने कहीं कुछ दिया हुआ है बाहर वो सारी चीज़ें हो गई इंटरेस्ट हो गया प्रॉफिट हो गया रेंट हो, हो गया आप रॉयल्टी से आपको पैसे मिल रहे हैं या पैसे आप दे रहे हैं या आप कॉपी अपना बेचे हुए हैं कुछ अपना तो उससे आपको पैसे रिसीव हो रहे हैं दे रहे हैं तो वो सारा एक्सेट्रा जो है इसमें आ जाएगा ठीक तो इनके साथ भी दो चीज़ें हैं या फिर ये हमको रिसीव्ड होंगे या फिर हम पे करेंगे तो अगर अगर मिसिलेनियस रिसिप्ट हो रहे हैं यानी कोई भी पैसा हमारे देश में आ रहा है दैट मीन्स ऑल दैट सॉर्ट ऑफ मनी शुड बी क्रेडिटेड और अगर पैसा हम पे कर रहे हैं तो उसको हम डेबिट करेंगे बस बस कॉन्सेप्ट यही तैयार रखना है कि पैसा आ रहा है कि जा रहा है इकोनॉमी में हमारी तो हमारी इकोनॉमी में जहाँ भी पैसा आएगा सारे चीज़ों को बी अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा और अगर पेमेंट कर रहे हैं तो सारी चीज़ों को बी में डेबिट साइड में दिखाया जाएगा नाउ मूविंग टुअर्ड्स द बी कैपिटल अकाउंट ये हम देखेंगे फिर अपना दूसरा नंबर दैट इज़ कि अपना बी ओ पी ऑन कैपिटल अकाउंट अब कैपिटल अकाउंट में क्या चीज़ें होती हैं मतलब क्यों बनाया जाता है पहले वो आप समझ लेते हैं तो कैपिटल अकाउंट जो बनाया जाता है बेसिकली वो बनाया जाता है तो रिकॉर्ड या हम रिकॉर्ड करेंगे इसमें चेंजेस इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज या चेंजेस इन पोजिशन ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज ऑफ अ कंट्री यानी ये किसी एक देश के अगर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में जब चेंजेस आते हैं तो उसको हम कैपिटल अकाउंट में डिनोट करते हैं पहली बात तो ये समझ में आ गई अब हम बढ़ते हैं कि इसके जो आइटम्स हैं पर्टिकुलरली एक एक आइटम्स का हम इफेक्ट देखते हैं द फर्स्ट आइटम इन दिस सीक्वेंस इज़ ए हमारा होगा पहला आइटम हमारा हमने लिखा ही था पहले बॉर्विंग्स तो बॉरविंग्स का हम इफेक्ट देख लेते हैं पहले बात बॉरविंग्स होता क्या है तो बॉर्विंग्स का मतलब होता है जो लोन्स हम लोग लेते हैं लोन्स टेकन और रीपेड यानी हम जो लोन बाहर के देशों से लेते हैं रीपेड वो तो इसका दो इफेक्ट होता है या फिर हम लोन लेंगे या फिर हम लोग लोन देंगे हो सकता है भाई बाहर के किसी कंट्री को नीड पड़ गया तो हमने दे दिया और किसी को नहीं पढ़ा तो हमने उससे ले लिया तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे उसमें बी में कहाँ इसको डिनोट किया जाएगा वो देख लेंगे तो सबसे पहली बात तो ये होगा कि अब लोन लेता कौन है तो लेता है दोनों ले सकते हैं या फिर गवर्नमेंट ले टेकन बाय गवर्नमेंट ले सकता है और जो प्राइवेट हमारे पास प्लेयर्स हैं मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो हैं या प्राइवेट जो प्राइवेट सेक्टर हम लिख देते हैं पूरा प्राइवेट सेक्टर वो भी ले सकता है तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो भी लोन लेगा लेकिन अगर लोन आ रहा है तो क्या करेंगे जा रहा है तो क्या करेंगे तो पहला तो हम लिखेंगे कि लोन का क्या हिसाब किता बॉर्विंग्स का क्या हिसाब किताब है तो पहला तो हो जाएगा कि अगर रिसिप्ट हुआ है यानी हमने लोन लिया है और दूसरा हो जाएगा हमारा अगर रीपेमेंट हुआ है रीपेमेंट मतलब लोन वापस कर दिया तो लोन लेंगे तो दैट मीन्स पैसा क्या हो रहा है पैसा हमारे इकोनॉमी में आ रहा है कि जा रहा है तो दैट मीन्स पैसा हमारी इकोनॉमी में आ रहा है सो इट विल बी क्रेडिटेड ऑन द बी स्टेटमेंट और अगर प्री पेमेंट हो रहा उस लोन का दैट मीन्स पैसा जो है वापस जा रहा दैट मीन्स इट शुड बी डेबिटेड तो ये हो गया दो यानी ईजी वे में हमने देख लिया नेक्स्ट जो है हम देखेंगे अपना सेकेंड वाला वो होता है अपने पास बी वाला है हमारे पास है इन्वेस्टमेंट अब इन्वेस्टमेंट के साथ क्या कंडीशन इन्वेस्टमेंट होता क्या है तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो हमारे शेयर्स हो गए डिवेंचर्स हो गए बॉन्ड्स हो गए एसेकट्राज जो हैं अगर ये हमारे देश के कंपनी में कोई इन्वेस्ट करता है कोई हमारे शेयर्स डिबेंचर्स को परचेज करता है इंडियन कंपनीज के बाय द फॉरेनर्स और वी आर परचेजिंग द शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ फॉरेन कंपनीज देन दो चीज दो बातें हो गई उसमें तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देख लेते हैं तो आई इज आई फॉर इन्वेस्टमेंट अब इसमें क्या होगा कि अगर इन्वेस्टमेंट हम लोग करेंगे यानी हम यहाँ लिख देते हैं बाय इंडियंस टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और एक कंडीशन हो जाएगा बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर ओ डब्ल्यू मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाई रेस्ट ऑफ़ द वर्ल्ड टू इंडिया टू इंडिया तो दोनों का हिसाब क्या होगा वो देख लेते हैं तो अगर इंडियंस जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में तो दैट मीन्स कि जो है जो पैसे का फ्लो होगा वो बाहर जा रहा है यानी पैसा जो है बाहर फ्लो कर रहा है तो इसको हम करेंगे डेबिट और अगर आर ओ डब्ल्यू वाले अगर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं या यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं दैट मीन्स कि पैसा हमारे भारत में आ रहा है दैट मीन्स कि इसको हम करेंगे क्रेडिट ठीक तो ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट का बस यही देखना है कि पैसा आ रहा है कि जा रहा है बस और ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें है नहीं अब तीसरा और काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थोड़ा कन्फ्यूजिंग रहता है हमेशा से ये होता है चेंज इन फॉरेक्स रिजर्व फॉरेक्स मतलब मैंने बताया दिया था फ़ॉरन एक्सचेंज इसको ऐसे पढ़ते हैं एफ ओ आर फॉरन एक ई एक्स मतलब एक्सचेंज रिज़र्व अब फ़ॉर एक्सचेंज रिजर्व पहली बात ये बनाता कौन है तो आपको सबको पता होना चाहिए कि फ़ॉरन एक्सचेंज रिजर्व सारा का सारा आर बी आई के पास रहता है जितना भी फ़ॉरन करेंसीज आती जाती हैं सारा हिसाब किताब आर बी आई मैंटेन करता है तो इसके साथ भी दो चीज़ें होती हैं तो हम यहाँ लिख देंगे कि फॉरिक्स लिख देते हैं हम सीधा सीधा अब इसके साथ क्या होगा अगर इसमें विड्रॉल हो रहा है या फिर इसमें एडिशन हो रहा है दो टाइप की चीज़ें होती हैं इसमें अगर विड्रॉल हो रहा है तो क्या करेंगे और एडिशन हो रहा है तो क्या करते हैं विड्रॉल मतलब होता है कि पैसा जो हमारा एक्सचेंज है सॉरी फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो है यानी रिज़र्व हमारा क्या हो रहा है विद्रॉल का मतलब क्या हो गया कि रिज़र्व जो भी है हमारे पास वो रिज़र्व हमारा कम हो रहा है जब और एडिशन का मतलब रिज़र्व हमारा बढ़ रहा है तो रिज़र्व कम होने का मतलब है कि पैसा निकल के जाएगा कहाँ तो पैसा निकल के जाएगा इकोनॉमी में ही तो इकोनॉमी में पैसा बढ़ा ना तो हमारा लॉजिक वही रहेगा हमेशा से कि अगर पैसा इकोनॉमी में बढ़ रहा है तो हम यहाँ करेंगे क्रेडिट और अगर पैसा इकोनॉमी में कम हो रहा है क्योंकि जब रिजर्व हम मेंटेन करेंगे तो इकोनॉमी से ही पैसा लेके जाएंगे और रिजर्व मेंटेन करेंगे तो इसको हम लोग करेंगे डेबिट क्योंकि पैसा हमारी इकोनॉमी से फ्लो ऑफ मनी सप्लाई या मनी फ्लो जो होगा वो कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका डेबिट ये सिंपल है थोड़ा सा बस वो रहता है कि आदमी थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है तो ऐसा कोई कन्फ्यूजन जैसा नहीं है तो ये आपका हो जाएगा डेबिट यानी यहाँ पर हमने इसको देख लिया अब एक अकाउंट अगर हम बना के देखना चाहें अकाउंट के बेसिस पे कि अगर इसका क्या ट्रीटमेंट है वो अगर देखना चाहे तो कैसे होगा तो देख लेते हैं जो नॉर्मल अकाउंट बना के यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स इसी में दोनों बना लेंगे बीओपी करके हम ऐसे ही मतलब एक रफ वर्क में बना दे रहा हूँ इसका कोई एग्जाम से कोई नाता नहीं एग्ज़ाम में आता नहीं इसको इसका क्वेश्चन नहीं आते यहाँ हो गया हमारा डेबिट यहाँ हो गया हमारा क्रेडिट और यहाँ हो जाता है नेट ठीक अब हम देख लेंगे कि क्या क्या आइटम्स हैं उन एक एक आइटम्स को देख लेंगे तो पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारा बी ओ पी ऑन करेंट अकाउंट इसी में दोनों बना लेंगे तो करंट अकाउंट में पहला आइटम है आपका विजिबल विजिबल ट्रेड तो विजिबल ट्रेड के साथ दो चीज़ें होती हैं या फिर हम एक्सपोर्ट करेंगे या इम्पोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट डेबिट में क्या लिखते थे डेबिट में हम लिखते थे इम्पोर्ट किया गया तो डेबिट एक्सपोर्ट किया गया है तो क्रेडिट अगर दोनों में से कोई ज़्यादा कम ज़्यादा होगा तो उसका बैलेंस यहाँ लिखेंगे दूसरा हम लिखेंगे इनविजिबल ट्रेड इसके साथ भी सेम इनविजिबल ट्रेड अगर इम्पोर्ट हुआ है तो यहाँ एक्सपोर्ट हुआ है तो यहाँ और उसके बाद लिखेंगे फिर जो भी बैलेंस बचेगा यहाँ लिखेंगे फिर तीसरा हो जाएगा यूनिलेट्रल तो यूनिलेट्रल में हमने क्या देखा कि इसके भी दो ऑप्शंस होते हैं अगर ये ट्रांसफ़र हुआ है या रिसिट्स हुआ है तो अगर रिसिप्ट हुआ है तो रिसिप्ट को हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में क्योंकि पैसा आएगा और अगर ट्रांसफर हुआ है तो ट्रांसफर्स को हम लिखेंगे यहाँ पे बाकी जो भी नेट वैल्यू बचेगी उसको यहाँ लिखेंगे चौथा आइटम हमारा मिसलिनियस रिसिप्ट तो मिसलिनियस यहाँ लिख देता हूँ रिसिप्ट और पेमेंट्स यहाँ भी लेटरल ट्रांसफ़र और रिसिप्ट तो यहाँ पे जो है पेमेंट्स हो जाएगा तो अगर रिसिप्ट हो रहा है तो हम इसको यहाँ लिखेंगे क्रेडिट पे, साइड और पेमेंट हो रहा है तो पेमेंट हम डेबिट साइड जो भी रहेगा बैलेंस उसको एज इट इज़ ये मैं इसलिए बना दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली याद हो जाए एक छोटे वे में एक्चुअली होता क्या कि फ्लो चार्ट जल्दी याद हो जाता है और ये बॉक्स वगैरह में जो चीज़ें रहती हैं वो आदमी के दिमाग में ज़्यादा अच्छा इंपेक्ट डालता है उसके बाद हम क्या करेंगे हम इनका कर लेंगे टोटल जो भी इनका वैल्यू आएगा सबका टोटल कर लिया जाएगा टोटल करके हम लिख देंगे अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा बी ओ पी ऑन वी ओ पी ऑन कैपिटल अकाउंट तो कैपिटल अकाउंट में तो तीन ही आइटम है हमारे पास पहला तो हो जाएगा हमारा बॉर्विंग दूसरा हो जाएगा इन्वेस्टमेंट और तीसरा हो जाएगा चेंज इन फॉरेक्स फॉरेक्स रिजर्व ठीक तीन आइटम हमारे पास है तो अब इसमें क्या क्या होगा वो हम देख लेते हैं अभी जैसे हमने पहले ही बात किया कि अगर बॉर्विंग हो रहा है यानी बॉविंग अगर हम कर रहे हैं रिसिप्ट हो रहा है तो रिसिप्ट मतलब पैसा आ रहा है तो रिसिट्स को यहाँ पर लिखेंगे अगर रीपेमेंट हो रहा है तो रीपेमेंट को हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि डेबिट है बाकी वैल्यू नेट की यहाँ लिखाएगी इन्वेस्टमेंट के साथ भी सेम क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट के साथ क्या हो रहा है कि अगर इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ हो रहा है मतलब कि इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ हो रहा है तो हम इसको रिसिप्ट रिशिव्... अगर हो रहे हैं इन्वेस्टमेंट तो यहाँ दिखेंगे और वही इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ नहीं हो रहा है यानी हम इन्वेस्टमेंट बाहर कर रहे हैं तो यहाँ हम लिख देते हैं पेमेंट के लिए लिख देते हैं या पे कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट वापस दे रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे फिर चेंज इन फॉरन वाले में हमने बात किया था कि अगर विड्रॉल हो रहा है तो विड्रॉल होगा तो यहाँ लिखेंगे और अगर एडिशन हो रहा है तो एडिशन को हम लिखेंगे यहाँ बाकी जो नेट वैल्यू होगा नेट लिख देंगे फिर इसको भी कर देंगे टोटल जो भी आएगा वैल्यू तीनों का यहाँ लिख देंगे और लास्ट में हम करेंगे दोनों का टोटल यानी लास्ट में होगा गया टोट ये हो गया टोटल ए ये होगा टोटल बी अब यहाँ करेंगे टोटल ए प्लस बी उसको यहाँ लिख देंगे ठीक जो होगा अपना मेंटेन हो जाएगा तो हमारा बीओपी का जो अकाउंट होता है अलग अकाउंट तो होता नहीं पहली पहली बात तो स्टेटमेंट होता है तो अकाउंट कह लो या स्टेटमेंट कह लो दोनों बातें हैं क्योंकि डेबिट क्रेडिट यूज़ होगा तो स्टेटमेंट जो भी रहेंगे इनको इसी तरीके से बनाया जाता है ठीक सो होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड वेल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस